बापू बापू मेरे को ये फोन चाहिए। क्यों चाहिए तानू फोन? वो नहीं क्या बापू, मैं अपनी काली गाड़ी वीडियो बना के मूंछ पर डालना चाहता हूँ। नहीं मिलेगा तानू फोन, मेरे पास ही फोन नहीं तो तेरे को कहाँ से दूँ? बापू कैसे भी करके मेरे को अरेंज करके दो, नहीं तो मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा। निकल लौड़े, आ गए सालो। अब जूतिया हम कब से आ चुका? फिर मैं कल गया था उधर के साइकिल लेके कोठवाली की तरफ, क्योंकि लोग सब दर्शन ले रहे तो हमारा भी फर्जवा बनता है, हम भी उसके दर्शन ले। अब मुझे रास्ते पर एक ऐसा भूखे बंगला दिखा, वहाँ से कुछ ऐसी आवाज आ रही थी। अब ऐसी आवाज सुनकर मैंने नीचे और ऊपर के बाल ऐसे खड़े हो गए जैसे कि बुर्ज खलीफा खड़ी है। उसी बाल को और खड़ा करने के लिए मैंने ये सब रिकॉर्ड किया। नहीं यार ये सब हो क्या रहा है? एक नहीं रहा, जो क्या वो दीवारों के जज पर अगर तुम अपने जिंदगी में कुछ लंड उखाड़ नहीं रहे हो तो लोगो से ज्यादा खुद को चूतिया बनाना चाहते हो तो मान लो तुम्हारी आत्मा मर नहीं रही तो उसको मारने के अब तुम लोगों को इस मोच के बारे में नहीं पता। लंड मारने का फोन यूज करते हो। एक नया चूतिया पा चुका है, पर मुन्नू से लेकर नुन्नू तक और जानू से लेकर जानवी तक सब लोग अपनी छोटी मोटी गांड मोच पर दिखा रहे हैं। मेरी वाली देखो, इससे मेरी मोटी है। आओ यार अपनी नजरबंदी को खोलो और बिना किसी की मेरा तेल लगा हुआ डंडा कहाँ है? लसन मसाला है। भारत को बेरोजगार बनाने वाले यही लोग हैं। यहाँ पर इन लोगों से इनके बारे में पूछो तो खलीफा, और इनके बारे में माइक लगा के पूछो ऐसे घर के फर्श की तरह साफ 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 जवाब देते हैं। ऐसा ही चूतिया पा चलता रहा ना, लूंडा बिना लूंडी के बच्चा पैदा कर देगा। ये मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा है, ये मेरे बाजू में खड़ा मेरा चूतिया पति है, तो हम दोनों ने मिलकर दिन रात ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। और ये मिर्च में मसाला यहाँ तक सीमित नहीं होता। शादी विवाह प्यार मोहब्बत और रात की कड़ी महीना घर के कमरों में या फिल्मों में ही ठीक लगती है, पर सब लोग अपने मुंह में लेके बोलेंगे वाह मोदी जी वाह। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर लोग ऐसे पिछवाड़े से लेने लगेंगे ना तो ज्यादा समय नहीं लगेगा देश को आजादी महोत्सव मनाने में। काश 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 सभी लोग मियां खलीफा का प्रवचन सुनते। अरे चूतिया वो मियां खलीफा नहीं महाराज राम रहीम, वो हो जाता है कभी कभी। तो हम कहाँ पर मार रहे थे? मुझ पर। यार एक बात बताओ। हाँ पूछो। ये बच्चे कैसे होते हैं? चुप बताओ ना। यार ऐसी बात मत पूछ, मुझे ना शर्म आ रही है। शर्म? मुझे इसके बारे में जरा भी नहीं भनक है। ये दुनिया किस दिशा से भाग दौड़ कर रही है? अब अपने वाले के साथ बाबट नगर जाकर खट्टी लस्सी खाएगी, अब इसको जरा भी शर्म नहीं आएगी। अब इसको बच्चे के बारे में थोड़ी भी बातें नहीं पता, खाक के बच्चों को संभालेगी। जब घर कॉलेज सभी लोगों से निकल लौड़े ऐसे जवाब आने लगेंगे ना, तब इंसान और टैलेंटेड होता, फिर उसको अपना मुंह धोने में भी मुझे शर्म आती है। यार नहीं, अभी तक मैं बल्कि बीएड कर चुका हूँ लेकिन मुझे अभी तक ऐसी लड़की कभी नहीं मिली। तुम अपने बाल खोलो ना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, प्लीज खोलो ना प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लड़की से पपीता मांगते वक्त नहीं करता। मैं भी 100 गुना चूतिया बन के ये चमगादड़ की औलाद कर रहा। यार क्या दौर आ चुका, कुछ टाइम पहले लोग अपने माता पिता से 200 रुपए का नोटिस मांगते थे चेहरा दिखाने के लिए, लेकिन आज तुम्हारी चड्डी धोने से तुम्हारी गांड धोने तक सभी के वीडियो बन रही है। प्लीज खोलो ना प्लीज, तेरे पापा पागल हो गए। बल्कि बीएड वाली लड़की, असल में तेरी बुद्धि ना मोज के चक्कर में मोज मारने में भाग गई है। ऐसे में तेरा पति कुछ और ही खोलने के बाद वो है कि अपने बच्चे के सामने तेरे पापा पागल हो गए। यार पहले का लोगों का ठीक था, अपना सस्ता दिल ले। ये कौन से जगह है भाई फोन को गर्म करने की? अब तुम्हारा फोन अधिक से अधिक ठंडा हो जाए ना, इसका गर्म मशीन का यूज जरूर करना, मजे आएंगे। इस टेक्निक को कहते आओ गर्म करे। मोबाइल के अलावा इंसानों को भी इस हवसी पट्टे में गर्म किया जाता, फिर तुम्हारा बाबूजी का ठेलू आम की तरह कच्चा क्यों ना हो, इसको भी गर्म किया जाता। यहाँ पर इस गर्म भट्टे को देखकर एमसी स्टैन भी बोलेगा ओ मेरे भाईना मेरा पानी गर्म कर दे। गए थे टैलेंट वाह, शक्ल तो बंदर जैसी है लेकिन टैलेंट नहीं रुकना चाहिए। आज का जमाना जो है भाई, फिर इसको देखकर मुझे याद आया कल मैं गया था रात बैंक, एक आंटी ने मुझे इंग्लिश में गाली दी। भाई तुमको मौज मौज की मार मार के बता रहा हूँ, फोन के ऊपर 2 गुनेला शर्ट वाला पासवर्ड लगा के रखना। नहीं तो अब ये आंटी उसका हाथ मेरे हाथ में दे पहले ही निकल लौड़े। का देख लिया मैंने, यार मैंने नारियल पानी पीकर बोला ही था लड़कों की वाट लगाने में लड़कियों का कोई भी हाथ पाव नहीं होता। तुम लोग मानो या मियां खलीफा के साथ सत्संग आओ, मुझे यह के ऊपर की लगा के यकीन हो चुका है दुनिया सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये लोग उठे या ना उठे लेकिन सबसे पहले लोग उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तुम लोगों ने अपने नंगे कानों से वो कहावत तो सुनी होगी, ठंड में कोई अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ता। इंडी के बहना उसे गरम गरम खाना चुखाना होता है, और उसी ठंड को देखते हुए हमारे मोज के जवान इस गर्मी में मेरे लिए वही दोस्त खास है जो मेरा बिछवाड़ा बिस्लेरी के पानी से धोता है। इस पक्के कच्चे वादे से तुम लोग कुछ समझ रहे हो? अगर तुम्हें नहीं समझ में आया मार रहे
के लिए पढ़ाएगी। भाईचोद, इसको कोई खट्टी से खट्टी लस्सी खिलाए तो लोग अपनी खट्टी लस्सी निकालेंगे यार। ऐसे ही सस्ते से सस्ते वादे मियां खलीफा करने लगेगी ना तो मजे ही हो जाएंगे। अरे बांचो, तुम्हें नहीं मिल रहा है तुम्हारे पोल के लिए बड़ा सा हो, इसका देखो बड़ा हो। आज भगवान ने लोगों के अंदर टैलेंट के साथ बुद्धि पे भर देती है, चूतिया पंथी तो ना करती। इंग्लैंड के दीवाने को बर्फ है ये पता था। अपने पिछवाड़े को बड़ा करना है, इसको बंदर का लंड अवार्ड पे देना चाहिए। जिसको ये अवार्ड चाहिए तो कमेंट करो। फिर इस मोज के बारे में हमारे महाज्ञानी क्या कहेंगे, अपने कानों में खांसी की गोली डालकर सुनते। मोदी भैया, ये सब तुम हटा लो यार। हरे को नहीं पता रे भैया, हमारा मामा का चाचा का लड़का इसी ऐप पे वीडियो बनाता है जिससे मुझे GST मिलती है। सबको एक ही काम करना है, रात को 12 बजे मिर्च का कुड़ी नमक डालना और अनानास कर देना है, बस हो गई। हरे बे बात एकदम सही लग रहा है मेरे को। भगवान मुझे चंद्रयान के साथ चांद पर भेज दे। कहते हैं ज्यादा पढ़े लिखने का टैलेंट हुआ तुम लोगों को। इंडिया, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान सभी देशों में 150 रुपए देकर भी तुम्हें टैलेंट नहीं मिलेगा। ये टैलेंट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मूज ऐप पे मिलेगा। अरे इतना ही टैलेंट हुआ बाबा राम रहीम, गर्लफ्रेंड ढूंढने में लगाते तो गर्लफ्रेंड मिल जाती। लेकिन ऐसा ये बहन जो हर किसी नहीं करेगा। इंजीनियर को बंजो करना, आधी से आधी पुरुष वाली मूवी देखी होगी। हनुमान को आकाश में उड़ाने का काम इसी पंखे का था। जब डॉक्टर झटका अपना झटका लगा के एरोप्लेन निकालते उसे ऊपर उड़ाने में यही मदद करता। दुनिया में हर किस्म का सामग्री वाला टैलेंट मिलेगा, किसी को मारना हो या चाहे किसी को चूसना, सबके लिए अलग अलग टैलेंट घोषित है। नहीं बता रहा, दुनिया में बेरोजगारी की संख्या दिन ब दिन सब्जी मंडी की तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन इन लोगों को मोज मोजा मेकिंग सोडा बनाना, नजरबंदी तो देखो जरा, ससुर का नाती इससे तो बढ़िया एक अंधा। ए बेटा, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बड़ा योगदान मोज आपको जाता है, इसने मेरी रात दिन मदद की आंखों की रोशनी जाने में। फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब लोग अपने अगले मुतने के भी वीडियो बना देंगे। सचमुच होकर ही रहेगा। वाह वाह वाह, देखना बाकी रह गया था। लोग अपनी चट्टी को ऐसे दिखा रही है जैसे आम्रपाली अपने दिखाती, तो वक्त ऐसा हो जाएगा लोगों की बातों उनके टट्टी भी सोने के भाव में बिक जाएगी। सोचो अब ये चट्टी वायरल हो जाएगी या होगा। मैं आज वायरल हो गई, वायरल। ज्यादा बकचोदी मत कर यार, मेरे पिछवाड़े में लग ना महीने लगने वाले, मुझे अब 200 रुपए में लो। कल तक तो तू 50 में दिख रही थी। चट्टी बंटी को जिसने भी किया होगा ना तो वो जरूर MBBS किया होगा या बल्कि BA ही। तो सामने इंजीनियर भी खेल है, महान महान विद्वान लोग हमारी दुनिया में भरे हुए। दुनिया अभी तक गटर में खड़ा नहीं हो रही है। नहीं, एक बादशाह लंड ऐसा ही तो होता, बिना बटन दबाए झक 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 करने लगता। ऐसा करना ये एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। तुम्हारे शरीर का कोई भी पार दर्द दबा दे रहा है ना, इस मशीन का जरूर यूज करना। कोई इंसान हिलाता नहीं जितना इसका बंपर हिल रहा है। इसके गांड में ना कुछ ज्यादा ही रहमान कड़े भरे हुए। फिर ऐसे ही जमीनों में होल करते रहेंगे ना, उस टाइम बाद बोरवेल बंद हो जाएगी। फिर इसी बोर को किसी के घर में लेके जाके रात के 12 बजे स्टार्ट कर देना। फिर ये झुक करने लगेगी। यह सभी कामों का शहर जाता है हमारे मियां भाभी को। अब अपनी कम उम्र में मौज पर वीडियो बनाएंगे तो ऐसा ही हाल होगा। ये सब क्या चूतिया पाए पर डांस हो रहा है, शरीर की कसरत। तो मैं पंछी बहुत सारे आ जाएंगे, डेढ़ फुड़िया को वहाँ पे खड़ा कर देना। ठीक है, जानवर भी भाग जाएंगे। जब से लोगों के फोन में नुनू हिलाने वाला मोज आया है ना, लेके अब तक चड्डी सुखाने से लेके अपने शरीर को हिलाने तक वीडियो बना रहे। मुझे नहीं पता कि आंटी कंटेंट बेच रही है कुछ और ही। आज लज्जा की कोई सीमा होती है, इन लोगों ने मोज पर मोज मार के पूरी पार कर दी। आओ यार मेरे साथ, आज हम एक तपस्या करते हैं। जब भी ऐसे चूतिया लोग दिखे उनके ऊपर गरम लावा जरूर डालेंगे। यार आज के लिए बस इतना, मेरे ये चूतिया पंथी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक मारो। करते तुम्हारे जितने नीचे का बाल है उतने। तुम मेरी चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब मारो, नीचे काला वाला बटन है उसके ऊपर लंड फेंक के मारो या किसी की बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब चलो मुझे भी आगे चांद पे जाके घर बनाना है। बाय। उठा ले रे देवा। चली ना। बजा, बजा।